बीते दिन तरन तारण के चर्च में हुई बेअदबी के चलते जालंधर के एडीसी को क्रिश्चियन समुदाय ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मांग पत्र दिया। इस मौके पर पास्टर सोनावर भट्टी ने कहा कि तरन तारण में पिछले दिनों चर्च के अंदर तोड़ फोड़ और मूर्तियों के साथ जो बेअदबी हुई थी उसकी सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ की है और उनकी पहचान भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके चलते उन्होंने जालंधर के एडीसी अमित सरीन को एक मांग पत्र के जरिए एक सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो पूरे पंजाब भर में चक्का जाम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एडीसी अमित सरीन ने बताया कि उन्हें ईसाई समुदाय की तरफ से मांग पत्र दिया गया है, जिसकी जानकारी वो आपने उच्चाधिकारियों को देंगे। एडीसी ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया ताकि चक्का जाम की नौबत ना आए। जालंधर से पंकज शर्मा की। देखो, बीते दिन मेरा नाम सनावर पट्टी, प्रधान यूनाइटेड पीपल्स लीग, साडे चेयरमैन पास्टर एंथनी मसीह, जॉन मसीह जॉनी जी, जनरल सेक्रेटरी मेना सुरजीत थापर जी, पास्टर गौरव गिल जी और भी साडी मसीह जथेबंदियां, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री तो पास्टर पत्रस जी। देखो, अज इदा है कि जिमें कि मीडिया सारा भली भांति जानता कि अज तो ढाई तो तीन हफ्ते हो गए साढ़े चर्चस उत्ते हमले होंगे। हुण देखो जिथे डड्डूवाने चर्च के चलती सभा रोका गया निहंग मुखी मेजर सिंह हुणा दे वल्लों, प्लस अपना ठक्करपुरा पट्टी दे विच जिहड़ा साडा चर्च आ उत्थे प्रभु यीशु मसीह जी की और माता मरियम की मूर्ति नूं तोड़िया गया। हुण असी उहदे संबंध दे विच ना बहुत ज़्यादा मेमोरेंडम दिते आ, बड़े शांति मार्च किए आ, साढ़े कैंडल मार्च होए आ और अलग अलग पंजाब के अलग अलग जथेबंदियों के अलग अलग पास्टरों ने मेमोरेंडम दिए। साडे परचियां दे उत्ते जिहड़े लोगों ने देखे आ, जिहड़े पूरे समाज ने, प्रशासन ने और मीडिया दे विच आए आ, उन्हां दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि साढ़े बेचारे पास्टर है उन्होंने नजायज़ ही अजकल 295 का परचा दर्ज किया करना शुरू कर दिता गया। एक तो साड़ी ये मंग हैगी कि उन्होंने उत्ते जिहड़े परचे तुसीं किए हैगे आ उह तुरंत रद्द किए जाण ते जिहड़े इन्हां दोषियों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगर नहीं की जाती तो असीं 27 तरीक नूं चक्का जाम करांगे। कृष्ण भाईचारे खिलाफ़ काफ़ी जो कुछ शरारती अंसर ने उन्होंने काफ़ी गलत एक्टिविटीज़ की हैं, जिस करके बड़ा रोष है उन्होंने, रोष है कि साढ़े धर्म में दबाया जा रहा है और कितने पास्टर साहब पर कोई परचा भी होया उस बारे उन्होंने रिप्रजेंटेशन दी है कि परचा झूठा है। यदि इन्वेस्टिगेशन पूरी पुलिस पूरी करेगी इन्वेस्टिगेशन और जो सच है जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। और सीएम साहब के नाम उन्होंने मंग पत्र दिता है, मेमोरेंडम सीएम ऑफिस असी फॉरवर्ड कर देंगे, फिर सीएम साहब ने जो मीटिंग इन्हों की हो सकती है तो वी विल ऑर्गेनाइज दैट और जिते भी इन्हों धक्का होया समाज के नाल उन्होंने पूरा जस्टिस दिता जाएगा। ठीक है, 27 सितंबर तक इन्होंने कहा भी साडा जिहड़ा है सानू जस्टिस मिलना चाहिए। जो रिप्रजेंटेशन च मेमोरेंडम च इन्होंने लिखा है वो तो यही कह रहे हैं कि असी फिर सड़कों पर उतरेंगे, धरने देवे, धरना प्रदर्शन कर